महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की मनाई जयंती। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के प्राथमिक विद्यालय बानखाना में कुमुदलता आर्या ने स्कूल में बच्चों को महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के बारे में बताया और बच्चों ने दोनों महान आत्माओं के चित्रों पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर विद्यालय की प्रधानाचार्य कुमुदलता आर्या, साजिद, मनोज कुमारी, रीना, अनीता सक्सेना, सत्यदेव उपस्थित रहे। वास्तव में बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन एक नहीं दो दो महान लोगों ने जन्म लिया था। एक थे हमारे कौन, महात्मा गांधी, जिन्हें हम लोग कहते हैं राष्ट्रपिता, और एक थे, क्या दूसरा नाम बताया था, लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, एक ने देश को एक नया जीवन दिया, एक नया सूत्र दिया, सत्य का और अहिंसा का। गांधी जी क्या कहते थे, हमेशा सच बोलो और अहिंसा का पालन करो। अहिंसा मतलब किसी से भी मारपीट नहीं करो, किसी से झगड़ा नहीं करो, हमेशा ही दूसरों का आदर करो। और शास्त्री जी कहते थे कि हाँ, हम सबका सम्मान करते हैं, हम सभी का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन हाँ, हमारे देश की ओर यदि कोई आंख उठा के देखेगा तो हम उसको उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। उनका नारा क्या था, जय जवान जय किसान। बोलो मेरे साथ, जय जवान जय किसान। ये किसका नारा था, लाल बहादुर शास्त्री जी का। लाल बहादुर शास्त्री जी का सारे आंदोलन चलाए। जिस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इस तरह से करके बहुत से आंदोलन चलाए, जिसकी वजह से अंग्रेजों को ये समझ में आया कि हाँ, ये व्यक्ति इतना महान है कि इसके पास कोई दूसरा शस्त्र नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अहिंसा एक ऐसा अस्त्र है जिसके द्वारा ये हमें पराजित कर सकता है। ये एक ऐसी अकेली उपाधि है जो किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती है। और न, अरे बोलो ने, हम पतित के पावन सीताराम, बोलो बताने जा रहा हूँ। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1896 को गुजरात के शहर में हुआ था। हर 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जयंती हर साल मनाई जाती है। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। पूरा संसार महात्मा गांधी कहता है। लोग उनका प्यार से बापू भी कहकर पुकारते थे। अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आजाद करने में बापू का सबसे अहम योगदान है। उन्हें अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ दिया था। उनकी इस आजादी की लड़ाई में देश के हर शहर ने ऊंचा लिया। 30 जनवरी 1948 को ऋषि मुक्ति हुई। 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म दिवस, शास्त्री जी का जन्म दिवस, स्वच्छता
दिवस व अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी की प्रसिद्ध पंक्ति है, रघुपति राघव राजा राम पतित के पावन सीताराम। और बच्चे बोलिएगा।